न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं अभिनव किन्निहा, बीएन घाटी, इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर, मोबाइल हॉस्पिटल, डॉक्टर रॉय सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, ब्लेस हॉस्पिटल, फर्नीचर वर्ल्ड, श्री बालाजी फैशन, चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, विघ्नेश्वरा मार्बल। अंडाल स्थित नारायणा स्कूल के AGS ने छात्रा के साथ किया गलत आचरण तो छात्रों ने किया पिटाई, पुलिस ने जाकर छात्रों के चंगुल से अधिकारी को छुड़ाया। जितेंद्र तिवारी ने तृणमूल नेताओं पर मुआवजे के नाम पर चंदा वसूलने का लगाया गंभीर आरोप, दासू ने पलटवार कर कहा मीडिया में बने रहने के लिए देते हैं भ्रमित बयान। अमृत परियोजना के दूसरे चरण के लिए आवंटित राशि को अमली जामा पहनाने के लिए नगर निगम में बैठक, परियोजना पूरी होने पर घर घर पहुँचेगा जल। दुर्गापुर के युवक ने किया कमाल, कम खर्च में बनाई 10 सवार वाली बाइक, इसे देखने के लिए लोगों का लग रहा है तांता। पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन की आसनसोल शाखा ने किया पेन डाउन आंदोलन, जिला जज और SDM को सौंपा ज्ञापन। अंडाल थाना अंतर्गत एयरपोर्ट इलाका स्थित नारायण स्कूल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर छात्रावास में रहने वाली 12वीं की छात्रा के साथ गलत आचरण करने का आरोप में हॉस्टल के छात्रों ने जमकर धुनाई कर दी। शिक्षण संस्थान के अधिकारी की पिटाई किए जाने के वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही अंडाल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं छात्रों के चंगुल से शिक्षक अधिकारी को मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस एवं छात्रों के बीच धक्का मुक्की हो गई। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक स्कूल के AGS अनिल कुमार पिछले कई दिनों से स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा को गलत आचरण कर रहे थे, जिससे छात्रा काफी परेशान रहती थी। गुरुवार फिर अनिल कुमार ने छात्रा के साथ कुप्रस्ताव देने का प्रयास किया, जिससे छात्रा हॉस्टल के रूम में चीखने चिल्लाने लगी। छात्रा के शोर मचाने से हॉस्टल के दूसरे छात्रों की नजर पड़ी, सभी छात्र दौड़े आए। इस दौरान छात्रा ने AGS द्वारा किए जा रहे आचरण के बारे में छात्रों को बताया, जिसे सुन छात्र आक्रोशित हो गए एवं अरुण कुमार को खदेड़ते हुए पकड़ा एवं जमकर पिटाई करने लगे। इस बारे में पुलिस ने बताया कि स्कूल के घटना को लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता के दौरान तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर कंबल वितरण कांड के दौरान हुए 3 लोगों की मौत पर उनके परिजनों को सहायता देने के नाम पर लगभग 60 लाख चंदा वसूली करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने द्वारे सरकार पर भी सवालिया निशान लगाया। दीदी की सुरक्षा कवच योजना पर भी तीखी प्रतिक्रिया। अड्डा से अनापति पत्र नहीं लेने को लेकर निकाले गए सूची को लेकर तापस बनर्जी को भी आड़े हाथ लिया। प्रेस वार्ता के दौरान जितेंद्र तिवारी ने कहा कि आज से 1 माह पहले कंबल वितरण के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तृणमूल कांग्रेस शव पर राजनीति की। हमारे प्रचुर स्वेच्छासेवक जरा भालो काजे संगे जुक्त छिलो, जरा कोरोना समय मानुषे पासे छिलो, जरा गोटा बछर विभिन्न समय ब्लड डोनेशन कैंप आरो सामाजिक काजे संगे सब समय जुक्त थाके, तादेर बेस कयेकजन के अरेस्ट करलो, अनेके नामे मामला करलो। आपनारा जानें जे आमार स्त्री जे कर्पोरेशनेर बिरोधी दल नेता, ताकेओ दुदिन 7-8 अफिसार एसे जेरा करलेन, किन्तु आमरा एर प्रतिउत्तरे किछुई बोलिनि। केननाओ आमरा जानतम जे जदि आमरा एखन किछु बोलते जाई, ताहले जे भिक्टिम परिवार जादेर बाड़ीते लोकेर मारा गेछे तादेर हयतो खूब खराब लागबे। আমি দেখলাম যে 3টা মৃত পরিবারকে নিয়ে, ডেড বডিকে নিয়ে একটা রাজনীতি করার চেষ্টা হলো, মোমবাতি মিছিল করল, এখানকার নেতা মন্ত্রীরা সবাই গেলেন, কলকাতা থেকে আরও 4-5 নেতা মন্ত্রী সবাই এলেন, তারা তাদের বাড়িতে ভিজিট করলেন এবং তারা কথা দিলেন যে আমরা ওই পরিবারের পাশে থাকব এবং প্রত্যেক পরিবারে একজন করে
ব্যক্তি কে ডিপেন্ডেন্ট কে তারা সরকারি চাকরি দেবেন এই প্রতিশ্রুতি কলকাতা থেকে এসে এখানকার নেতা মন্ত্রীরা দিলেন। আমরা জানতাম যে সবটাই ভাঁওতা। পরবর্তী ক্ষেত্রে দেখা গেল যে জামুড়িয়া, রানীগঞ্জ, পাণ্ডবেশ্বর সমস্ত জায়গায় এটা নিয়ে মিছিল করা হলো, জবাব চাই জবাব দাও। আরে দুর্ঘটনার জবাব কে কি করে দিতে পারে? আপনারা ঘটনা ঘটাচ্ছেন তার জবাব দিচ্ছেন না, আপনারা ইন্টেনশনালি মানুষকে হত্যা করছেন তার জবাব দিচ্ছেন না, আর যদি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায় সেটা জবাব কে দিতে পারে? তবুও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য এগুলো করলেন, আমরা খুব বেশি কিছু বলিনি। কিন্তু আজ 13 তারিখ, এক মাস হয়ে গেল, আজ এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পর কিন্তু আজ আমরা প্রশ্ন করছি যে বিভিন্ন অঞ্চলে মিছিলের পর যেটা আমরা খবর পাচ্ছি যে ওই পরিবারকে হেল্প করার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা বিভিন্ন লোকেদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন যে ওই পরিবারকে হেল্প করবেন। জামুড়িয়াতে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, রানীগঞ্জে করা হয়েছিল, পাণ্ডবেশ্বরে করা হয়েছিল, আসানসোল সাউথ, আসানসোল নর্থ, বার্নপুর, কুলটি সমস্ত জায়গায় যারা অর্থবান ব্যক্তি তাদের কাছে অর্থ সংগ্রহ করলো যে সে পরিবারগুলোকে তারা হেল্প করবে। এবং এখন পর্যন্ত যা খবর পাচ্ছি, আরও ডিটেলস পরে আমরা জানাবো, কোনোভাবে 50-60 লাখ টাকার কম হবে না এটা। কিন্তু খুবই দুর্ভাগ্যের যে এই যে ওই গরিব পরিবারকে সাহায্য করবে বলে তারা অর্থ সংগ্রহ করলো, এই অর্থ কিন্তু সে পরিবার কিন্তু এক মাস হয়ে গেল পায়নি। এই 60 লক্ষ টাকা, 70 লক্ষ টাকা বা যেটাই হোক বিভিন্ন জনের কাছ থেকে ওদেরকে দেওয়ার নাম করে যে তুললেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা, সে টাকা কোথায় গেল? আজ তো এই প্রশ্ন আমরা করবো, এক মাস পর তো এই প্রশ্ন করবো। সরকারি চাকরি যাওয়ার যে কথা ছিল সেটাতেও একটা খবর পাচ্ছি যে ওই তিনজনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা ডিপেন্ডেন্ট ফ্যামিলি মেম্বার আছে তাদেরকে চাকরি না দিয়ে সে কটায় অন্য লোককে চাকরি দিয়ে দেওয়া যায় কিনা সে চেষ্টা চলছে। আপ দেখিয়ে দুয়ারে সরকার কে নাম সে যে ক্যাম্প চালায় গিয়া, দুয়ারে সরকার কা যে কনসেপ্ট হ্যা ও হামারে সংবিধান মে দিয়া, হামারা যে পঞ্চায়েত হ্যা ওই দুয়ারে সরকার হ্যা। পঞ্চায়েত ক্যা হ্যা? লোকাল গভর্নমেন্ট। দুয়ারে সরকার কা মতলব ক্যা? সরকার আপকে ঘর কে সামনে যায়গি, তো সরকার আপকে ঘর কে সামনে পহলে সে হ্যা, পঞ্চায়েত হ্যা তো পহলে সে সরকার আপকে ঘর কে সামনে হ্যা, কর্পোরেশন হ্যা তো উসকা সারা পাওয়ার ছিন লিয়া গিয়া, উসকা কোই পাওয়ার নেই হ্যা, और उसको उसको उसके पावर को बाईपास करके फिर अलग से डायरेक्ट सब कुछ कंट्रोल करने का प्रयास है, तो इसका फल तो भोगना पड़ेगा ही। आप बताइए ना कि एक काउंसलर को पता ही नहीं चलता है, एक काउंसलर को पता ही नहीं है कि उसके इलाके में कब कहाँ क्या होने वाला है। आप डीएम ऑफिस में जाइए, वो डीएम निर्णय लेंगे, और पैसा कौन देगा? हमारे टैक्स का पैसा, वो डीएम निर्णय लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बंगाल में पिछले 2-3 परसों पहले से यह प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो भी अर्बन लोकल बॉडी है, शहरों में अर्बन लोकल बॉडी और गांव में पंचायत जो बॉडी है, उनका जो पावर था उसको सीमित करने का प्रयास किया गया, और उनके पावर को उनसे उनके हाथों से छीन कर सरकारी जो तंत्र है उनके हाथ में यह पावर देने का काम किया गया, वही काम अभी कर रही है। वहीं पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्य सचिव वी शिवदासन दासू ने कहा कि भाजपा ने कंबल वितरण की एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि अब लोग कंबल वितरण के नाम से भी भयभीत होने लगे हैं। जो साजिश किए हैं उन्हें पुलिस अवश्य पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि चंदा वसूली तृणमूल कांग्रेस नहीं किया है बल्कि भाजपा ने चंदा वसूला है। ये प्रोग्राम में साधारण मानुष गरीब लोग कंबल लेते आज के ये दिन देखते हुए कंबल बाटाबाटी सबाई भय खाचे বিভিন্ন জায়গায় যে কম্বল বাটাবাটির নাম শুনছে না তো লোক বায় খাচ্ছে। কেন এইরকম একটা অবস্থা বিজেপি লেখে আসেছে আসানসোলে, যার নামে 60 লাখ টাকা তুলেছি বলে আপনারা যে বলছেন আজকে জিদান বলেছে এই কথা, আমি এই বুঝতে পারছি না জিদান কথা থেকে এই কথা শুনেছে। আমার পশ্চিমবঙ্গালের সরকারের পক্ষ থেকে কিছু সহায়তা করেছে, এই ছেড়ে আমার আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কিছু সহায়তা করেছে, আর এই ছেড়ে আসানসোলে মেয়র এই তিনটা বাড়িতে গিয়েছিল, যার যে বাড়িতে যে ঘটনা হয়েছিল যার বাড়িতে গিয়েছিল, যাওয়ার পরে মেয়র নিজে বলে আসেছে প্রত্যেক বাড়ি থেকে একটা লোককে টেম্পোরারি নয়তো কৌশলের চাকরি দেবে। তো আপনারা বলছে এখন পর্যন্ত দিয়ে নেই চাকরি, আর কিছু লোক বলছেন এখন একটা প্রেস মিটে একটা মিডিয়া এসেছিলো জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে, তো ও বলছিল চাকরি যার বাড়িতে যে দেওয়ার আছে যাকে না দেখে আর কাউকে দিতে যাইছে। এইরকম একটা বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। আমার সঙ্গে মেয়রে কথা হয়েছে বিধানের সঙ্গে,
এখন পর্যন্ত যাকে বলে বিধান আসার পরে এখন পর্যন্ত যার বাড়িতে গিয়ে একটা কাকে চাকরিতে ঢুকাবে একটা লিখিত পাঠাতে হবে, তো এখন পর্যন্ত কর্পোরেশনে পাঠায়নি, এই জন্য দেরি হচ্ছে। 70-80 লাখ টাকা আপনারা কালেকশন করেছেন ওদেরকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু ওদেরকে দেওয়া হয়নি, এটা অভিযোগ। আমরা শুনেছি বিজেপি প্রচুর টাকা কালেকশন করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস কেন কালেকশন করবে? আমরা তো রুলিং পার্টিতে আছি, কেন কালেকশন করতে যাব? আমরা সরকারে আছি, সরকারে হেল্প করেছে। এই জন্য আজকে এই কথা তুলে লেগে আসেছে, বহুদিন পরে আসানসোলে ঢুকছে, তো ঢুকার পরে আসানসোলে মানুষকে জানাতে হবে আমি আসানসোলে আসেছে, যার জন্য একটু মিডিয়াকে ডাকে একটু বোম ফাটছে। आसनसोल में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पधारे ब्लेस हॉस्पिटल। आसनसोल के KSTP के निकट ज्योति नगर में बनकर तैयार है एक ऐसा आधुनिक अस्पताल जहां आपको मिलेंगे सर्जरी और स्त्री रोग संबंधी इलाजों की उत्कृष्ट सुविधा, साथ ही अन्य जरूरी चिकित्सा सेवा। आसनसोल के प्रमुख सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शशिकला द्वारा संचालित ब्लेस हॉस्पिटल जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले चिकित्सा उपकरणों से लैस। ब्लेस हॉस्पिटल यानी पैशन फॉर एक्सीलेंस, ज्योति नगर नियर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो पेश है आपके लिए दमदार बाइकें जावा 42 और जावा पेरा, साथ में है भारत में रीलॉन्चिंग के बाद युवाओं की पसंद बनी HD बाइक के 3 मॉडल एडवेंचर, स्केबलर और रोडस्टर। जल्द आए और अपने जीवन में भरे रोमांच जयसवाल मोटर्स, उषाग्राम, आसनसोल और बासरा मोड़, रानीगंज। अभिनव किन्नी हाउस, एक्सक्लूसिव हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम जो बनाए इस त्योहार में आपकी खुशियों को दोगुना। यहाँ आपको मिलेगा सर्टिफाइड जेमस्टोन, हॉलमार्क सिल्वर, साथ में सुविधा है गोल्ड टू गोल्ड फुल रिटर्न, सिल्वर टू सिल्वर फुल रिटर्न, लाइट टू हैवी, ऑल टाइप ज्वेलरी आपके बजट के मुताबिक। तो जल्द आए अभिनव किन्नी हाउस, आभूषण व्यवसाय में 25 सालों से प्रतिष्ठित नाम, GT रोड, आसुस। इस नववर्ष में अगर किफायती दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार, चले आइए लोअर चिली डंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहां आपको मिलेंगे 0 इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट TV और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिली डंगाल, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। बाइक शब्द का प्रयोग करने से ही जहन में यह आता है कि इस पर 2 या 3 सवारी यात्रा कर सकते हैं, लेकिन एक बाइक बाजार में ऐसा आ रहा है जिस पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 10 सवारी एक साथ यात्रा कर सकते हैं।
जी हाँ, लेकिन इस बाइक का निर्माण कोई बड़ी कंपनी या इंजीनियर ने नहीं किया है, बल्कि इसका निर्माण पश्चिम बर्धमान जिला के दुर्गापुर शहर के गोपाल मठ इलाके के पेशे से एक फ्लावर डेकोरेटर छोटन घोष उर्फ मोनू ने बनाया है। छोटन घोष उर्फ मनु ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर 10 सवारियों के बैठने की लंबी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाई है। यह मोटरसाइकिल एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर चलेगी। एक किलोमीटर चलने में है केवल 8 रुपए खर्च होगी। इस मोटरसाइकिल को बनाने में छोटन को केवल 22 दिन का समय लगा। इस बाइक के निर्माण में कुल 15,000 रुपए खर्च आया है। इस बाइक की विशेषता यह है कि यह बाइक न सिर्फ इलेक्ट्रिक से चार्ज होगी बल्कि सोलर पावर से भी चार्ज होगी। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इन 10 पैसेंजर बाइक्स को बाजार में रिस्पांस मिलने वाला है। इसके अलावा बाइक एक छोटे साउंड बॉक्स से भी लेस है जो मोबाइल फोन के ब्लूटूथ कनेक्शन से कनेक्टेड होने पर संगीत बजाता है। गोपाल मैदान के दुपचूरिया गांव निवासी छोटन घोष इस बाइक को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर चलाकर पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की जरूरतों के लिए इस बाइक को बाजार में उतारने के लिए ऐसी बाइक अधिक मात्रा में निर्माण करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मदद की अपील की है। मनु ने कहा कि अपने दोस्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उनके मन में यह नवीन विचार आया। इस शानदार बाइक को सभी के सहयोग से तैयार किया गया है। इस बाइक को देखने के लिए शहर के लोग गोपाल मठ में जमा हो रहे हैं। ये बाइक थे 10 जन हमरा चेपे मैंने घुरे बेड़ाई मैंने एक जगह थे अन्य जगह 10 जन बाइकटार ऊपर चेपे जेते पारे। और एटा आमरा 2 बछर आगे मैंने इंजिन सिस्टम बाइक एरकम करेछिलाम, সেটা আমাদের পুলিশে পারমিশন দেয়নি, মানে রোজে পুলিশ দেখলে ধরে নিত। তো সেটা আমরা এবার মানে ব্যাটারি সিস্টেম করেছি। এই ব্যাটারি সিস্টেমে মানে সোলার সিস্টেমে ওইটা চার্জ হবে, মানে ফ্রি অফ কস্ট চার্জ হবে, আবার কারেন্টেও চার্জ হবে। কত কিলোমিটার চলছে একবার ব্যাটারি চার্জ? একবার ব্যাটারি চার্জ করলে 100 কিলোমিটার। কতদিন সময় লেগেছে বাইকটা বানাতে? বাইকটা বানাতে সময় লেগেছে আপনার 1 মাস। যে যে পুরনো মানে গাড়ির মানে চাকাগুলো সব পুরনো আছে, আর এরকম লোহার পাইপ দিয়ে গাড়িটা পুরো তৈরি, মানে যত পুরনো পুরনো গাড়ির ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আর লোহার পাইপ দিয়ে এই গাড়িটা পুরোটাই তৈরি। তা এখন কি পুলিশ কোনো হাতির ব্যাটারি দিয়ে মানে ছোট হাতির যে ব্যাটারি সেই ব্যাটারি পুরনো ব্যাটারি লাগানো হয়েছে, পুরনো মোটর দিয়ে আছে, কন্ট্রোলার দেওয়া আছে। এই আইডিয়াটা এলো কোথা থেকে তোমার? আইডিয়া নিজে থেকে আমি মানে এইসবই ছোটো থেকে এইসবই মেকানিক্যালের কাজ করি, মানে আমাদের ডিবিসি মোড়ে যে বুজখালিপা হয়েছিল সেই বুজখালিপাটা আমি করেছিলাম, মানে কালী পূজায়। तेरह सूत्री मांगों को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के पेन डाउन आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की थी। तेरह सूत्री मांगों को लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन के पेन डाउन आंदोलन कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसी के तहत शुक्रवार को आसनसोल जिला न्यायालय में भी पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन आसनसोल जिला शाखा के द्वारा पेन डाउन आंदोलन किया गया। इस दौरान आसनसोल जिला न्यायालय के लॉ क्लर्क आसनसोल अदालत के समीप घर घर से एक जुलूस निकला जो आसनसोल क्लब सिविल कोर्ट होते हुए जिला जज कार्यालय पहुंचा। वहां एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला जज को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। सदर महकमा शासक को भी एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने के बाद एसोसिएशन के राज्य सह संपादक प्रलय राय ने कहा कि हमारी एसोसिएशन गैर राजनीतिक सदस्यों का राज्य का सबसे बड़ा एसोसिएशन है। हमारे सदस्यों की संख्या पूरे राज्य में 50,000 से अधिक है। इस आंदोलन के कारण आम लोगों को कोर्ट संबंधित कार्य करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि अधिवक्ताओं ने भी आज को नो एडवर्स ऑर्डर का निर्णय घोषणा कर रखी थी। ये पॉइंट डाउन कर्मसूची के सफल करार विगत जानुरी मासे प्रथम थके आदालते मिचिल मीटिंग प्रचार सभा करेछी। आज के शेष दिन आज के मिचिल सहकारे জেলা জজ সাহেবের কাছে আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি এবং এসডিএম মানে এসডিওর কাছেও আমরা স্মারকলিপি জমা দিয়েছি, সভা সমাবেশ করেছি, করে আমাদের দাবিগুলো আমাদের যে দাবিগুলো আছে সেই দাবিগুলোর সম্পর্কে আমরা ওনাদেরকে অবহিত করেছি। দেখা যাক সাহেবরা কী করে। কত দফা দাবি রয়েছে আমাদের? দাবি 13 দফা দাবি রয়েছে আমাদের। আসলে হচ্ছে কি, এই সংগঠন অরাজনৈতিক সংগঠন, সর্ববৃহৎ গণসংগঠন।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। सपनों के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार। साथ ही आप पाएंगे ग्रीन नाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सुमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सुमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरवड़ी मंदिर के विपरीत, NH2 आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस्ट ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, चाचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तीन बाजार, आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। एक बार फिर से आसनसोल में धूम मचाने आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर। 6 जनवरी से 16 जनवरी तक आसनसोल के पोलो ग्राउंड में ट्रेड फेयर के समय है दोपहर 1 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक। इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर में आपको मिलेंगे 7 देशों और भारत के 17 प्रदेशों के स्टॉल, जिनमें मिलेंगे इंटरनेशनल प्रोडक्ट, फर्नीचर एंड इंटीरियर, गारमेंट एंड लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट, हेल्थ एंड फिटनेस, हैंडीक्राफ्ट, साथ में और भी बहुत कुछ। तो 6 जनवरी से सब परिवार पधारे इंडिया इंटरनेशनल ग्रांड ट्रेड फेयर पोलो ग्राउंड आसनसोल और खरीदारी के साथ तरह तरह के व्यंजनों का उठाएं आनंद। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत, तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। अमृत परियोजना के तहत आसनसोल नगर निगम के हर घर में जल पहुंचाने को लेकर दूसरे चरण की आवंटित की गई 427 करोड़ रुपए की राशि को अमली जामा पहनाने के लिए शुक्रवार को आसनसोल नगर निगम में एक बैठक की गई। इस बैठक में अमृत परियोजना के निदेशक, आसनसोल नगर निगम के आयुक्त राहुल मजुमदार, उप मेयर अभिजीत घटक, मेयर परिषद सदस्य सुब्रत अधिकारी, आसनसोल नगर निगम के अभियंता, सभी बोरो कार्यालय के अभियंता, कोलकाता से आए अधिकारी और अमृत परियोजना से जुड़े कर्मचारी शामिल थे। इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए निगम आयुक्त राहुल मजुमदार ने कहा कि आज की बैठक का मूल उद्देश्य अमृत परियोजना के तहत दूसरे चरण के लिए जो 427 करोड़ आवंटित राशि को अमली जामा पहनाने के लिए था। मूलत आज के स्टेट अमृत सेल थे मिशन डायरेक्टर साहेब एसें और सबाई एसें चीफ इंजिनियर एमिडिट थे। इखने आज के मूल जो डिसकाशन हलो हे हमारे नतून जे अमृत जे फेज टू ते
যে 427 কোটি টাকা ড্রিঙ্কিং ওয়াটার প্রজেক্ট স্যাংশন হয়েছে, সেটার কাজ কি করে দ্রুত স্টার্ট করা যায় টেন্ডারে, যাতে আমরা নেক্সট মান্থে ফেব্রুয়ারিতে চলে যেতে পারি এবং আমাদের জলের যে সংকট যেটা হয় সেটাকে মেটানোর জন্য খুব দ্রুততার সঙ্গে কাজটা এক্সিকিউট করা যায়, সেইগুলো নিয়েই আজকে ডিসকাশন, প্ল্যানিং এবং এমইডির সঙ্গে আমাদের স্টেট আমরুতের মিশনের আমরুত সেলের ডিরেক্টর এসেছিলেন, তার সঙ্গে কথাবার্তা হলো এবং এএমসির সঙ্গে একসাথে বসে আমরা প্ল্যান করব। पूरे शिल्पांचल में आदिवासी समुदाय में सोहराय पर्व लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना हुआ है। आदिवासी समाज के लोग इस महान पर्व को लेकर पूरे क्षेत्र में जश्न मना रहे हैं। इसमें बानपुर, आसनसोल, धेमो में, चीनाकुड़ी सभी जगहों पर आदिवासी समाज के द्वारा डामर के थाप पर आदिवासी नृत्य हो रही है। आसनसोल के नदी किनारे स्थित गुटगुट आदिवासी पाड़ा में बना रही एक आदिवासी युक्ति ने कहा कि यह हम लोगों का सबसे महान पर्व है। इस सोहराय पर्व अनेक बड़ फेस्टिवल, তো আমরা এটাতে অনেক আনন্দ করি। এক মাস আগে থেকে আমরা প্রিপারেশন নিই এটার জন্যে। আমাদের যত বান্ধবান্ধবী মানে আছে কিংবা আমাদের কোনো রিলেটিভ সবাইকে আমরা নিমন্ত্রণ করি। এটা মানে 5 দিন ধরে হয়, তো আমরা সব দিন নতুন জামা কাপড় পরি। আমাদের প্রথমে তো গ্রামের পুজো হয়, সেদিন আমরা নতুন জামা কাপড় পরি, আর যাদের বিয়ে হয়েছে তারা তার পরের দিন আসে, মানে ওদেরকে নিমন্ত্রণ দিই, তো ওদের জন্যেও আমরা নতুন জামা কাপড় দিয়া মানে দেওয়া হয়। নিউজ প্রহর কে প্রায়োজক হ্যাঁ অভিনব কিনিহাল, বিএন ঘাটি, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল গ্রান্ড ট্রেড ফেয়ার, মোবাইল হসপিটাল, ডক্টর রয়েস সুপার স্পেশালিটি ক্লিনিক, ব্লেস হসপিটাল, শ্রী বালাজি ফ্যাশন, জেস জুয়েলারি, সদা উদ্যোগ, বিঘ্নেশ্বরা মার্বেল,